विलिंगटन में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जारी है। मैच के पहले दिन लाइव मैच के दौरान न्यूजीलैंड के विलिंगटन मैदान पर हवा का झोंका इतना तेज आया कि क्रिकेट के मैदान पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इसी कारण मैच को रोक दिया गया और सभी खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल न्यूजीलैंड के विलिंगटन में खराब मौसम के चलते पहले दिन का पहला सेशन मैदान गीला होने के चलते रद्द कर दिया। इसके बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ, उसमें श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और उसके 118 रन के स्कोर पर दो विकेट गिर चुके थे। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन स्ट्राइक पर थे कि तभी मैच के दौरान तेज हवाएं चलने लगी, जिसमें सबसे पहले स्टंप्स की बेल्स हवा में गिरी। इसके बाद देखते देखते खिलाड़ियों के चश्मे, टोपियां और सब कुछ हवा में उड़ने लगा। इस पर विलियमसन स्ट्राइक से हट गए और अंपायर ने मैच रोक दिया। न्यूजीलैंड में आए तेज हवा के तूफान से मैदान की रोशनी भी काफी कम हो गई थी। बैड लाइट कंडीशन होने के कारण अंपायर ने खेल को रोक दिया। इस तरह खेल रोके जाने तक न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में दो विकेट पर 155 रन बना लिए थे। विलियमसन 26 तो हेनरी निकोल्स 18 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। रिपोर्ट अखाड़ा अपडेट्स।